हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस स्टडी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग, दोनों आयोगों से बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और कुछ ऐसे भी न्यूज़ है जिनका काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो PCS की प्री परीक्षा जो है अगले 24 घंटों में कैंसिल कर दी जाएगी। आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा संभावना आज की है, अगले 2 से 3 घंटों के भीतर आपको हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल साइट पे इसकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली ये तय हो गया, आगामी 15 जो संभावित तिथि थी 17 मार्च को ये परीक्षा होने वाली थी, तो अब इसे कैंसिल किया जा रहा है, जो कि नई तिथि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके अलावा बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के बारे में। जूनियर असिस्टेंट 1262 और जूनियर असिस्टेंट 5500 जो 2022 के पेट के थ्रू आया था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात करें PCS प्री परीक्षा की, तो ये कैंसिल हो चुकी है। लगभग बस नोटिस का आना बाकी है। जैसे ही नोटिस आएगी उस पर जो मुहर है पूरी तरीके से लग जाएगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का लगातार मैसेज आ रहा है कि कहीं ये ना कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब फाइनल हो चुका है, 17 मार्च को पेपर नहीं कराया जाएगा। 17 मार्च की जगह अब 2 जून की तैयारी चल रही है, तो 2 जून को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट होने वाली है, 2 जून को होगी PCS प्री 2024 की परीक्षा। तो आप निश्चिंत रहें, आपको कुछ ही पलों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बात करें जूनियर असिस्टेंट 1262, तो अगले 50 दिनों के अंदर इसकी टाइपिंग की प्रक्रिया स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि सोर्सों से पता लगता है कि अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है, मई ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। फिर भी जो भी संभावनाएँ हैं उसको सीरियसली लेते हुए आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। जो कर रहे हैं उसको अच्छे से स्पीड में करना सही रहेगा। फिलहाल 1262 से यही पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपकी टाइपिंग अगले 2 महीनों के अंदर निश्चित ही कराए जाने की जो भी नोटिस है वो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल नोटिस तो पहले मिलेगी, प्रक्रिया इसका 2 महीनों के अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। बात करें जूनियर असिस्टेंट 5500 के जो पेट 2022 के थ्रू आया था, तो पेट 2022 के 5500 पोस्ट से अधिक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, बड़ी भर्ती थी। तो इसका अभी मुख्य परीक्षा का कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। आपको कट ऑफ हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाए, इसी महीने की संभावना है, हो सकता है देखने को मिल जाएगा आपका यह कट ऑफ। लेकिन इसका एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम मान के चलिए अब जून से जुलाई के पहले नहीं होने वाला, जून के पहले तो नहीं होने वाला, तो जून के बाद ही इसका एग्ज़ाम लगेगा। हालांकि इसका कट ऑफ इसी महीने आपको देखने को मिल सकता है, ये इसकी प्रबल संभावना रहने वाली है। और जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जो 50 से 55 के बीच में है वो उनको मुख्य परीक्षा में चांस ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, मुख्य परीक्षा के लिए 55 से 50 अंक जिन अभ्यर्थियों के हैं वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। वे परीक्षा के लिए तैयारी करते रहें। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो इसका चिंता छोड़ के, आप 50 से 55 अगर आपका नंबर है तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं। फिलहाल कट ऑफ आएगी, आप ज़रूर देखेंगे, इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये रही जूनियर असिस्टेंट 5500 की जो लेटेस्ट अपडेट थी, काफ़ी अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ रहे थे। तो मान के चलिए आपको 3 से 4 महीने का समय है अभी। फ़िलहाल ऑफिशियली तो कोई कुछ नोटिस नहीं आई, लेकिन फिर भी मान के चलिए 3 से 4 महीने के अंदर अभी इसका एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। अगर एग्ज़ाम कराया गया तो VPO का एग्ज़ाम लगा हुआ है, VPO का एग्ज़ाम हो सकता है कि इससे पहले कराया जाए। फिलहाल इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी हम समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।